बारिश हो गई है शुरू और ड्यूटी में आने वाली है बहुत समस्याएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हाँ, हम लोग गोरमी जा रहे हैं और ये मेरी पूरी टीम, ये सत्यवीर दरोगा जी हमारे, ये एडी एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अभी तक 52 एनकाउंटर किए हैं। मैं आपके इनके एनकाउंटर की एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ जिसमें इनका बहुत अच्छा योगदान है, आपको दिखाएंगे। और ये हमारे राहुल यादव जी साइबर एक्सपर्ट हैं, ये हमारे यतेंद्र कुशवाहा जे, इनका मैं नाम झोला मैन भी है क्योंकि ये क्या है कि कोई भी जानकारी हो अपने झोले में हाथ डाल के हाल निकाल के लेके आते हैं, इसलिए इनको झोला मैन भी कहते हैं। और पीछे जो हमारे आनंद जो जेवी साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं जी, और ये हमारे ये पीछे हरपाल जो थोड़ा सा मुंह छुपाए हुए ये फ्रॉड एक्सपर्ट हैं, साइबर फ्रॉड एक्सपर्ट। और ये पीछे हमारे सबसे पीछे बैठे हुए ये हमारे भीष्म पितामह दाऊ, ये हमारे पूरे ग्रुप को लीड करते हैं, जानकारी इनकी बहुत तगड़ी है और बहुत अच्छा नेटवर्क है मुखबिरों का इनके पास। ये कोई भी जानकारी हो, कहीं भी कोई भी घटना हो, तत्काल जानकारी लेकर आते हैं। और ये हमारे पायलट, ये हमारे दया के नाम से भी जाने जाते हैं, दरवाजे तोड़ने में एक्सपर्ट, और आगे हम बताएंगे। और ये बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, इसी बीच एक सूचना आई है कि गांव में बहुत बड़ी मात्रा में अवैध दारू रखी हुई है, और हम जा रहे थे रास्ते में, तेज बारिश के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, वहाँ आदमी ने देख कर बताया है और वहाँ के लिए हम रवाना हो चुके हैं। मैं पूरी टीम के संग अपने वहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ देखते हैं सूचना सही है या नहीं। ये देखिए बारिश थोड़ी कम हुई है, ये उस गांव के लिए हम जा रहे हैं, ये खेत देख रहे हैं, ये गांव के अंदर की रोड है और ये आसपास खेत हैं पूरे, जो इनमें बाजरा भरा हुआ है। यहाँ इन खेतों में ये होता है, जब आरोपी को पहले से अगर पता चल जाए तो इन खेतों में घुस जाते हैं, फिर उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए हम पहले गांव के थोड़ा बाहर जाकर उस घर से थोड़ी दूरी पर रुकेंगे और पैदल पैदल वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि बरसात के कारण गाड़ी भी नहीं पहुँच पाएगी। वो जो घर है वो गाँव के दूसरे कोने पर है और एकांत में बना हुआ है। देखिए हम गाँव के अंदर आ चुके हैं अब, और गाँव के उस तरफ वो घर बना हुआ है, हम गाँव से पहले ही गाड़ी रोक कर और पैदल पैदल वहाँ तक जाएंगे और फिर उस जगह पहुंचकर सूचना की तस्दीक करेंगे। मुखबिर द्वारा ये बताया गया है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में दारू को ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखा गया है, सूचना सटीक है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगर वहां से दिखा पाया तो। मैं तो अब ये गांव के अंदर आ गए, हम यहां पर ही अपनी गाड़ी लगा कर और अब यहां से पैदल पैदल जाकर उस स्थान पर देखेंगे कि कितनी दारू मिलती है, सूचना सही है या नहीं, तो मैं बताता हूँ फिर आपको। और ये हम वहाँ पहुँच गए हैं, इसी स्थान पर दारू की सूचना है और ये हमने जो खुदाई की है तो उसमें दारू मिलना चालू हो गई है। ये देखिए आप जो बगल में ये देख रहे हैं, ये दारू जो होती है देसी दारू, उसके क्वार्टर ये निकल रहे हैं। देखिए ये हमारे दो आरक्षक इसमें खुदाई करके ये गड्ढा खोदा है और उससे ये पूरी दारू निकाल रहे हैं। ये सारी दारू है, ये आपको जो एक गंदगी सी दिखाई दे रही है जो पड़ी हुई है, ये दरअसल ये मिट्टी के कारण गंदे हो गए हैं, बारिश हो गई थी इसलिए। और ये इन बोरियों में भी जो है वो ये देसी दारू ही भरी हुई है, ये और भी है, काफ़ी बड़ी मात्रा में दारू मिली है। और जो मुखबिर की जो सूचना थी वो बिल्कुल सटीक थी और उसने जो स्थान भी हमें चिन्हित करा दिया था और वहाँ से जैसा उसने बताया था वैसा ही और उतनी मात्रा में ही दारू अभी तक मिल रही है। और अभी हम और खुदाई कर रहे हैं आसपास और देखेंगे क्या क्या मिलता है हमें यहाँ से। ऊपर है